Next question uh, question says the oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by equation x is equal to a cos omega t where x is displacement and t is time omega is frequency of oscillation sawal which of the following graphs shows uh, करेक्टली द वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन विद टाइम टी ये हमें बताना है कि टी के साथ कैसे आपका एक्सलेशन वेरी करेगा अगेन बहुत सिंपल सवाल है बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आधे मिनट के अंदर अंदर ये सवाल आपका हो जाना चाहिए हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो वेरी कर रहा है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी नाव ये अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी वेलोसिटी वी जो आएगी उसको हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी उसको हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन होएगा माइनस ए ओमेगा ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी ये आपकी वेलोसिटी हो गई नाउ इसको अगर एक बार हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे आ, तो आपका एक्सेलेशन आ जाएगा एक्सेलेशन होएगा इसको हम डी वी बाय डी टी इसको अगर हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी ये आपका एक्सेलेशन हो गया नाउ अगर आपको माइनस ए कॉस ओमेगा टी को ग्राफ प्लॉट करना है अगर हम कॉस ओमेगा टी को ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपना कॉस ओमेगा टी का ये ग्राफ आता है ये ग्राफ है आपका कॉस थीटा का अगर आपको माइनस कॉस सीटा का ग्राफ बनाना है सो माइनस कॉस सीटा का ग्राफ ये माइनस uh, उसके साथ चालू होएगा सो so ये वाला ग्राफ जो शुरू होएगा आपका ये यहाँ नेगेटिव एम्पलीट्यूड से ऐसे जाके ऐसे शुरू होएगा ये ग्राफ आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ होएगा सो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर